नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं जो है दो। हम देख चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट टू देख चुके हैं, अब देख रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3। बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3 कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं। हम क्वेश्चंस एमसीक्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली क्या है, क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, हमको क्वेश्चन चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3। तो अब इसमें एक क्वेश्चन हम सबसे महत्वपूर्ण देख रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस सी आई डी का उपचार या एस सी आई डी को कैसे ठीक किया जाता है, एस सी आई डी को कैसे ठीक किया जाता है, या एस सी आई डी का उपचार कैसे किया जाता है, या ट्रीटमेंट ऑफ एस सी आई डी को कैसे उपचारित किया जाता है, उपचारित किया जाता है, या एस सी आई डी को कैसे ठीक किया जाता है, या एस सी आई डी को कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी यानी इसका जो उपचार है वो जीन थेरेपी द्वारा किया जाता है। जीन थेरेपी क्या होती है, कैसे होती है, पहली बात तो ये बताएं कि एस सी आई डी क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है एस सी आई डी किसे कहते हैं, एस सी आई डी। देखो मैं आपको बता देता हूं एस सी आई डी क्या है, ठीक है। एस सी आई डी अगर देखा जाए, एस सी आई डी को कहा जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। अपन सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर मतलब होता है घातक, कंबाइंड मतलब दोनों। जनरली इम्यून सिस्टम में दो सेल भाग लेती हैं, बी सेल और टी सेल। तो अगर अपन कहें पूरी इम्यूनिटी कंबाइंड है, मतलब पूरी इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है, यानी इसमें बी सेल भी प्रभावित होती हैं, यानी बी लिम्फोसाइट, या बी सेल भी और टी सेल भी, दोनों सेल यानी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट इसमें अफेक्ट होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एस सी आई डी का पूरा नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज। इसमें दोनों प्रकार की सेल, बी सेल भी और टी सेल भी, दोनों अफेक्ट होती हैं, दोनों प्रभावित होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज। होता क्या है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज, क्यों ये दोनों सेल प्रभावित होती हैं, किस कारण ये रोग हो जाता है, ये हमको महत्वपूर्ण बात देखनी है। बी सेल और टी सेल क्यों प्रभावित होती है, तो मैं आपको बताऊं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी जो डिसीज है, या सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी जो रोग है, वो मेनली रोग जो है वो होता है एक एंजाइम के कारण। एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है ए डी ए। एक एंजाइम है, एक क्या है, एंजाइम है, इसका नाम है एडिनोसिन डी एमिनेस। क्या नाम है बेटा इसका, एडिनोसिन डी एमिनेस, एडिनोसिन या एडिनोसाइन भी कह सकते हैं, एडिनोसाइन डी एमिनेस। क्या नाम है इसका, एडिनोसाइन डी एमिनेस। ये क्या है, एडीए एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है, और इस एंजाइम की क्या हो जाती, कमी हो जाती है। अब इस एंजाइम की कमी के कारण क्या होता है, मैं आपको बताऊं ये एंजाइम क्या होता है, कमी हो गई तो क्या प्रॉब्लम है। जब एडिनोसिन डी एमिनेस की कमी हो जाती है तो बात आती है कि एडिनोसिन डी एमिनेस करता क्या है, इस एंजाइम की कमी से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कैसे प्रभावित होती है। मतलब अगर कोई कहे कि मेनली जो एस सी आई डी रोग है वो एडीए की कमी से होता है, तो एडीए क्या है, देखो एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम, ये करता क्या है, जो एडीए एंजाइम है, कौन, एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डी एमिनेस, ये तोड़ता है किसको, एडिनोसाइन, या अपन कहें डी ऑक्सी एडिनोसाइन, किसको, एडिनोसाइन या डी ऑक्सी एडिनोसाइन या डी ऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट। तो अपन ने कह दिया ये एडिनो
साइन, ठीक है, या डीऑक्सी एडिनो साइन, डीऑक्सी एडिनो साइन, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं डीएटीपी, अलग जो है डीएटीपी, तो एडिनोसाइन या डीएक्सी एडिनोसाइन या एटीपी, इनको तोड़ता है कौन, ए डी ए एडिनोसिन डी एमिनेस, काय में तोड़ देता है इनको, ये ब्रेक कर देता है अलग अलग, इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इसके मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, ये तोड़ देता है, कई अपन कह सकते हैं अलग अलग, मैं आपके इसको अलग से रिएक्शन बताऊंगा बायोकेमिस्ट्री में, पहले तो आप ये समझे, ये एडिनोसाइन डीऑक्सी एडिनोसाइन और डीएटीपी को ये क्या कर देता है, कंपाउंड में तोड़ देता है। जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है, ये एंजाइम क्या हो गया, कम हो गया, तो ये क्या होंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये कम एडिनोसाइन डीएमिनेज कम हो गया तो इनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, टूटेंगे नहीं, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जब इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये सेल में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सेल में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, सेल के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे, जब ये सेल के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो इनके इकट्ठे होने के कारण जो लिम्फोसाइट होती है, कौन, लिम्फोसाइट होती हैं, यानी बी सेल और टी सेल, कौन होती है, बी सेल और टी सेल, बी सेल और टी सेल की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, बी सेल और टी सेल डेवलप नहीं हो पाएंगी, जब बी सेल और टी सेल डेवलप नहीं हो पाएंगी तो बॉडी के अंदर बी सेल और टी सेल की कमी हो जाएगी, क्लियर, तो समझ में आ रहा कि क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं बी सेल और टी सेल की जब कमी होगी, ठीक है, अब आप देखें यहां पर क्लियर समझ में आ गया, तो अब क्या हो गया, बी सेल और बी सेल क्या करती हैं, आपको पता है बी लिम्फोसाइट बनाती हैं एंटीबॉडीज, काय में हेल्प करती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनाती हैं, कैसी बनाती हैं, एंटीबॉडी ऐसी वाई के आकार की होती हैं, क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, और टी सेल क्या करती है, टी सेल जो है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी बनाती है, टी सेल क्या बनाती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी बनाती है, सेल मीडिएट मीडिएट इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी में हेल्प करती है कौन सी सेल, टी सेल, तो बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी कमी हो जाती है और सेल मीडिएट इम्यूनिटी में कमी हो जाती है, तो पूरी कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है, पूरी की पूरी इम्यूनिटी में कमी हो जाती है, इस कारण इसको बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज। अब कोई पूछे अगर आपसे कि एस सी आई डी क्या है, तो हम क्या कहेंगे, एस सी आई डी वह रोग है जिसमें बी सेल तथा टी सेल दोनों प्रभावित होती हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि एस सी आई डी क्या है, किसी ने पूछ लिया कि एस सी आई डी क्या है, एस सी आई डी क्या है, तो एस सी आई डी क्या है, एस सी आई डी ऐसा है जिसमें क्या हो जाता है, बी सेल और एंड टी सेल दोनों प्रभावित होती हैं, बी सेल और टी सेल क्यों प्रभावित होती हैं, ठीक है, एस सी आई डी, तो अपन यूं करते हैं, एस सी आई डी में क्या होती है, एस सी आई डी एक कैसा रोग है जिसमें बी सेल, अगर बी सेल और टी सेल प्रभावित हुए तो एस सी आई डी, बी सेल और टी सेल प्रभावित क्यों होती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या इकट्ठा हो जाता है, एडिनो साइन, ठीक है, या डी ऑक्सी एडिनो साइन, एडिनोसाइन, ये इसके अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ये इकट्ठा क्यों होता है, क्योंकि कौन से एंजाइम की कमी हो जाती है, एडीए एंजाइम की कमी हो जाती है, एडीए एंजाइम की कमी हुई, एडी एंजाइम कम तो डीऑक्सी एडिनोसाइन का लेवल बढ़ जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन का लेवल बढ़ेगा तो ये कैसी हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी, ये इनएक्टिव हो जाएंगी, तो एसीडी, एडीए का लेवल कम क्यों हो जाता है, हम आपको एक बार बता देते हैं, एडीए जो है वो पाया जाता है एक जीन पर, क्रोमोसोम पर, और क्रोमोसोम पर होता है कौन से क्रोमोसोम, यदि मैं इस क्रोमोसोम की बात करूं, मैंने कह दिया ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ये कौन से नंबर का क्रोमोसोम है, तो मैं कह दूं तो ये 20वें नंबर का क्रोमोसोम है, कौन से नंबर का, 20th क्रोमोसोम है, आपको पता है 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, उसमें है 20वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एक जीन होता है और ये जीन जो है ये बनाता है एडीए, क्या बनाता है, जीन है,
और ये जीन बनाता है एडीए, तो ये जीन कैसा हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है, कैसा हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है, जीन रेसेसिव हो गया तो क्या हो जाएगा, 20वें नंबर का क्रोमोसोम का जीन रेसेसिव हो गया तो एडीए नहीं बनेगा। एडीए क्या है, एंजाइम है, आपको पता है एंजाइम कैसे बनता है, जीन से बनता है, प्रोटीन कैसे बनती है, जीन से बनती है, जीन जैसी होगी तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो एडिनोसाइन या डीऑक्सी एडिनोसाइन क्या होंगे, सेल में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि एडिनोसाइन या डीऑक्सी एडिनोसाइन को कौन तोड़ता है, एडीए, तो एडीए नहीं तो एडिनोसाइन और डीऑक्सी एडिनोसाइन बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसको तोड़ते हैं, इसका मेटाबोलाइज करते हैं, ये बढ़ जाएंगे तो ये सेल इनएक्टिव हो जाएंगे, ये सेल इनएक्टिव हो जाएंगे तो एससीआईडी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, चूंकि ये क्या है, जीन इनएक्टिवेशन, जीन रेसेसिव के कारण हो गया, तो इसके उपचार में हम यूज करते हैं, जनरली हम क्या कर देते हैं, इसकी जीन थेरेपी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी द्वारा क्या करते हैं, इस जीन को जो 20वें नंबर के क्रोमोसोम का जो जीन है उसको क्या कर देते हैं, हम थेरेपी द्वारा उसको उपचारित कर देते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं, उसको डोमिनेंट कर देते हैं, तो एडीए बन जाएगा, एडीए बन जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो ये सेल एक्टिव हो जाएंगी, और एक सेल एक्टिव हो जाएंगी तो एससीआईडी नहीं होगा। तो जीन थेरेपी द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एडीए जो एससीआईडी रोग है वो किसके द्वारा ठीक होता है, तो जीन थेरेपी द्वारा। मेनली जो एडीए एंजाइम है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है लिम्फोसाइट सेल को, किसको, दूसरी सेल को भी प्रभावित करता है लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है लिम्फोसाइट सेल को, और लिम्फोसाइट सेल को प्रभावित करता है इस कारण वो इम्यूनिटी पे ज्यादा असर डालता है। किस पर डालता है, इम्यूनिटी, क्योंकि बी सेल और टी सेल जो होती है वो इम्यूनिटी बनाने का कार्य करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं आगे कुछ और क्वेश्चनों की। तो ये मेनली क्या हो गया, एस सी आई डी या अपन कहें सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगले चैप्टर में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।